किसान की पत्नी के सोने के गहनों पे डकैती पड़ गई। 10 तोले सोने के गहने मुझे लाके पहनाओ, नहीं तो मैं मानने वाली नहीं हूं, तुम्हारे पीछे जूतियां घिसती मैं नहीं घूमूंगी। बेचारा किसान परेशान कि क्या करूं मैं। गुरुजी ने कहा पत्नी को प्रसन्न रखने से ही घर में स्वर्ग आता है, 10 तोले गहने बनवा के उसे पहना दो। युक्ति बताई गुरुजी ने, गहने पहनकर बैठ गई। पति ने कहा सुनो बताना मत किसी को, ठीक है, अच्छा नहीं है, डकैती पड़ जाएगी। अब कंकड़ पत्थर तो स्त्रियां पचा लेती हैं, बात पचाना थोड़ा पेट में पेन होने लगता है। पड़ोसन को बुलाया कि सुनो पति ने तो मना किया था, पर अब तुमसे भी क्या छुपाना, तुम तो मेरी अपनी हो ना, किसी को बताना मत। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी सहेली का हाजमा इतना दुरुस्त थोड़ी है कि वो बात पचा जाएगी। बात तो पूरे गांव में फैल गई और पता चल गया चोरों को। और एक दिन नहाने गई, ऐसी गई गहने जो है लेके, चोर जो है वो चंपत हो गए, लगी छाती पीटने, लुट गई, मारी गई, कहीं की नहीं रही। इतने में उसके कोई पति को भी बुला लाया, वो भी आके चुपचाप बैठ गया, रो धो नहीं रहा, दुखी नहीं हो रहा। लोगों ने कहा यार वो रो रो के मर रही है और तेरी सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। उसने कहा कि आज गुरु जी की युक्ति काम आ गई, मेरी क्या हैसियत की 10 तोले सोने के गहने पहनाता इसको, रोल्ड गोल्ड के गहने लेके सोने का पानी फिरा के पत्नी को पहना दिए थे, वो भी खुश मैं भी खुश। वो इसीलिए रो रो के मरी जा रही है क्योंकि वो गहनों को असली मानती है, और मैं इसलिए मस्त बैठा हूं क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। ये ज्ञान मार्ग है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, आदाब कर लिया जो राह मिले, जो चाहे हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है ऐसा हम दौड़ते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवो हम। फिर योग का मार्ग है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के हर पल कोड़े परे, जीवन रथ को सुमार्ग पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। अपनी इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगाना, संयम कर, खांसे जा रहा है। वैद्य जी ने कहा परहेज कर। बोले दवाई दो, परहेज मत बताओ। इसलिए एलोपैथी वाले ज्यादा सफल हैं क्योंकि वो कहते हैं समोसे भी खाओ पकोड़े भी खाओ और हमारी गोलियां भी सटकते जाओ। परहेज मत करिए, परहेज नहीं कर सकते, संयम नहीं कर सकते। भैया संयम कर ले तो भी ठीक है। वैद्य ने गुस्सा होके कहा खांसते रहने के भी बहुत फायदे हैं, रात भर खांसेगा तो घर में चोर नहीं आएगा, खांसते अधमरा हो जाएगा तो डंडा लेके चलेगा तो कुत्ते काटने का डर नहीं रहेगा। एक और फायदा है, जवानी में ही चल बसेगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। मुझे एक डॉक्टर मिले, बोले दीदी माँ मेरा मित्र बड़ा विचित्र है, वो तो गुलाब जामुन को गर्म गर्म पानी डाल के उसका रस निकाल के खाता है। मैंने कहा भैया रसगुल्ला निचोड़ के खाते तो बहुत देखे, पर गुलाब जामुन डायबिटीज है लेकिन जिभा पे कंट्रोल, रसना लपलपती रहती है। योग का मार्ग तो संयम का मार्ग है, अपने मन का संयमन, अपनी इंद्रियों का संयमन। और कदाचित भक्ति का मार्ग, वो डोली में बैठ के जा रहे हैं ना, प्रभु हमारी ओर से कोई प्रयत्न हम कर नहीं पाएंगे, बस तेरे चित्त में मन, तेरा नाम, तेरा रूप हमारे चित्त में समाया है, बस तेरी जिम्मेदारी है नाथ समर्पण। पृथ्वी का भार आपने बहुत बार उतारा है नाथ, बड़े बड़े पापी उतार दिए आपने, अजामिल रावण
न जाने कितने कितने वे सब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, मैंने तो इतने पाप नहीं किए प्रभु, प्रभु आपसे अगर मेरे जैसा अधम आधीन तारा नहीं जाएगा तो दुनिया आपको दीन बंधु कैसे कहेगी नाथ। इसलिए प्रभु ये अधम आधीन क्या तारे ना जाएंगे तो आप दीन बंधु कैसे कहाएंगे। जरा संकोच कीजिए, आपकी आपके नाम पे आंच आ जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। क्यों? हमने हमने तय कर लिया नाथ कि तू हमारा प्रियतम है, हम तुम्हारे पुजारी हैं और तेरे दर पर तेरे गीत गाना हमें रास आ गया है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ये सारी दुनिया धोखा दे दे चल जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। अंतिम श्वास चल रही है, तेरी प्रतीक्षा हो रही है, और हमारी प्रतीक्षा यही है तेरी परीक्षा करना। परीक्षा ही करेंगे नाथ, तुम आओ या ना आओ, आओगे तो तेरी करुणा है प्रभु, नहीं भी आओगे तो तेरी प्रतीक्षा में तुम ही तो हो चित्त चेतना में। और कदाचित कभी पा लेने में धन्यता नहीं होती जितना इंतजार करने में धन्यता होती है। ये भक्तों का जीवन है।